पाकिस्तान का एक नया स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट दिया है यूके यू ने दिस न्यू इंडिया इज ए डेंजरस एंटिटी टुडे इवन डेंडियज एनिमीज नो दिस इज मोदी दिस इज द न्यू इंडिया दिस न्यू इंडिया कम्स इन टू योर होम एंड किल्स यू उन्होंने बोला कि भाई नया भारत इज वेरी डेंजरस

लोकेशन तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं उन्होंने बोला कि भाई नया भारत इज वेरी डेंजरस नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर एवरीबडी एल्स ये चीज उन्होंने बोली और मैं जरा इसके बारे में थोड़ी सी मैं सोच रहा था काफी टाइम से कि यार पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है किस तरफ किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसके स्टेटमेंट थोड़े से वियर्ड हो रहे थे मैं बोला यार जस्ट लेट मी पीस टूगेदर ऑल दीज एंड उसके बाद मैं एक लेट मी ट्राई एंड सी इफ इट मेक सेंस कि ये करना क्या चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाई बोलते हैं भाई नया भारत बहुत ही डेंजरस है ये बोला किसने पाकिस्तानी टू यूके ने नाउ तीन चार चीजें हैं एक तो पाकिस्तानी है है दूसरा यूके है। इन चीजों को थोड़ा सा हमको ध्यान से देखना पड़ेगा पाकिस्तान करने की क्या कोशिश कर रहा है देखिए पिछले थोड़े टाइम से जब से ये पन्नू निज्जर का गेम आया है पाकिस्तान भी बेसिकली अपनी नई अपने हाथ उसी गंगा में धो रहा है बहुत टाइम से वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से ये जो ठुक रहे हैं इनके कंट्री के अंदर और बाय द वे कल भी एक ठुका है मेरे पास अभी कंफर्मेशन आई नहीं है बट अलेजिडली कल भी एक अननोन गनमैन का बंदा क्या हो गया क्या ठीक है अननोन अनमैन से वो भी कोई रिक्रूटर शिक्रूटर था उसको कहीं पे केपी के पे मारा तो ये बोलते हैं कि साहब भारत बड़ा डेंजरस कंट्री है देखो ये हमारे बंदों को उड़ा रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है भारत की बड़ी गेम चल रही है तो पाकिस्तान काफी टाइम से ये जो बहती हुई गंगा है अननोन गनमैन की उसमें हाथ धोने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं उसने काफी काफी प्रोपागेंडा करा है उसके उस चक्कर में जैसे ही ये अमेरिका की रिपोर्ट कही उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि देखो जी हमारे पास भी ये कर रहा है वो कर रहा है ये वो ऑल दैट उसने अपनी इंटेलिजेंस लीक करी है काफी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस पाकिस्तान और इंटेलिजेंस सेम स्टेटमेंट में जाता नहीं है बट इंटेलिजेंस उसने लीक करी अब उसने लीक तो कर दी तीन-चार जगहों पे गार्डियन का अगर आपको आर्टिकल याद होगा जो मेन गार्डियन का आर्टिकल आया था जब हमारी प्यारी हैना में और गार्डियन की तरफ से शुरू किया गया था दैट वॉज बेस्ड ऑन पाकिस्तानी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस इन्होंने आर्टिकल स्पॉन्सर करे खूब सारे ठीक है इन्होंने बंदों को पैसे पूसे दिए भाई तुम कुछ करो यार कुछ तो करो उसके बाद इन्होंने जाके एक दो बंदे अपने भी साफ कर दिए होंगे और बोले देखो भारत कर रहे तो काफी टाइम तक ये चीजें चल रही थी और अभी पिछले एक दो दिन में जब ये प्रेसिडेंट राइसी की डेथ हुई फैक्ट इन्होंने दो इंडियन डिप्लोमेट्स के नाम अब वो डिप्लोमेट हैं कौन है कि कोई सराह चलते बंदे हैं मुझे नहीं पता बट कहते हैं कि भाई दो डिप्लोमैट्स ईरान ने पकड़े हैं तो वो ना ज कर रहे थे राइसी का राइसी का हेलीकॉप्टर राइसी जहां से टेक ऑफ करा था ना ये उस जगह में पकड़े गए थे और, और रहे थे। पाकिस्तानियों का सिर्फ एक पाकिस्तानी भी ही समझ सकता है और कोई तो दुनिया में किसी को समझ में आएगा नहीं वो उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई भारत को टी, -टी के साथ टैगऑन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये चीज काफी इनकी मीडिया में चलता है और काफी आर्टिकल भी लिखे जाते हैं कि भाई भारत स्पॉन्सरिंग टेररिज्म विद इन पाकिस्तान भाई टीटीपी के साथ कर रहे हैं भारत बीएलए के साथ कर रहे हैं हम ऊपर से बोला कि भाई पीओजे के भी राह की साजिश है तो ये चीजें तो ऑब्वियसली इनका रेगुलर नैरेटिव है बट ये नैरेटिव एक डिफरेंट एंगल से लेके आ रहे हैं डिफरेंट ऑडियंस की तरफ लेके जा रहे हैं नॉर्मली ये सब चीजें पाकिस्तान के अंदर बोली जाती थी आज ये चीजें ये लोग जाके वर्ल्ड स्टेज में बोल रहे हैं सो देयर इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ गेम दैट दे आर ट्राइंग टू प्ले पाकिस्तानी को लगता है कि यार देखो क्या है ये जो अभी अमेरिका हमारे साथ काम कर रहा है इसी थोड़ा सा कुछ कुछ तो मिले उसका हमको थोड़े हथियार ठीक है नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये यूके में क्यूँ हो रहा है यूके यूके तो पता ही है साहब आपको जितनी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज है उसका बेस यूके में बैठता है खालिस्तानियों का बेस कहां पर है बहुत लोग सोचते हैं कनाडा और यूएसए में ना जी कैलिस्तानियों का तो के अंदर काफी एक है इन के बारे में और वो रेजोनेंस ऑब्वियसली कैनेडा में और ये सब चीजों में बाहर निकलता है बट कैनेडा में क्या है कैनेडा में फंडर है ठीक है फंडिंग शंडिंग करते हैं और कैनेडा में प्रोवोकर जो ये फोटो वीडियो, वीडियो लगाते हैं बट जो एंड अंडरग्राउंड

इंग्लैंडिस्तान के पॉलिटिक्स के ऊपर पाकिस्तानियों काफी हद तक एक कंट्रोल है अब क्या भारत को कुछ करना चाहिए इस इस बारे में मेरे ख्याल से नहीं 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 कोई कोई फर्क फर्क है अपने को कोई नहीं। अब आप देखिए यूएसए में भी वो जमाती बैठा है बांग्लादेशी वो जमाती जैसी मैं बोलता हूँ आपको पता जाती है जमाते इस्लामी और ये पाकिस्तानी कनेक्शन है वो बांग्लादेशी कल बोलता है कि साहब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है कि भाई भारत में मुस्लिम होना बहुत 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 खराब चीज है अच्छा जी ऐसी यहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ रही है सब कुछ है लोग काम कर रहे हैं लोग अपने पैसे कमा रहे हैं वो सब ठीक है लेकिन कहते हैं भाई मुस्लिम होना बहुत खराब चीज है ये सवाल पूछा गया स्टेट डिपार्टमेंट को स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला नहीं नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है वी डोंट फाइंड इंडिया एंटी मुस्लिम अब देखिए वो यूएसए थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर गए थोड़ा दे ट्राइंग टू रिट्रैक्ट बैक बट अटेम्प्ट है है अटेम्प्ट वही बांग्लादेशी से एक दूसरा नैरेटिव चलाने दूसरा क्या है पाकिस्तानियों की गलती है बहुत जलती क्यों है मोदी साहब ने कर रखा है ब्लॉक ठीक है उसके बाद रिपोर्ट भी कर रखा है मोदी साहब ने पाकिस्तानी अकाउंट्स को पंगा क्या है मोदी साहब बोलते हैं साहब तुम अपना खाना वाना खा लो वही काफी है हम तुम्हारे से कुछ कुछ शौक नहीं है तो अगले टाइम के आने के लिए जो मोदी जी ने एक वो जो स्टेटमेंट मारा था वो पाकिस्तान में काफी चुबा है कि यार ये तो हम तो इतना कुछ करते हैं ये तो बोलता भाई हमको फर्क ही नहीं पड़ता ये क्या है और पाकिस्तान के ऊपर यार इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा ये क्या हो रहा है कोई भी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहा कोई कुछ नहीं कर रहा हम बोल रहे भाई हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी है हम चाइना पाकिस्तान दोनों को देख लेंगे ये वो ये वो वो सब चीजें हैं बट कोई भी पाकिस्तान की वो बात नहीं कर रहा ये क्या हो रहा है सो दैट दे आर नॉट हैप्पी विद और उनको कहीं ना कहीं अपनी रेलिवेंस relevance... देखिए पाकिस्तान के बारे में जब आप बात नहीं करोगे ना तो वो थोड़े से वो सैड हो जाते हैं